अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसका मकसद है पाई नेटवर्क के मतलब जो अपडेट है ये वो आप तक पहुँचाना। पाई नेटवर्क इस वक्त अपने मेन नेट जो है वो लॉन्च कर रही है और उसमें मेन नेट क्या है, रोड मैप क्या है, कोइन मार्केट कैप में पाई नेटवर्क की वैल्यू क्या है और उसके बाद पाई नेटवर्क में जो वेरिफिकेशन करनी है, मोबाइल की वेरिफिकेशन है, फेसबुक की वेरिफिकेशन है और उसके बाद आपकी KYC है, इन सब के मतलब जो इस सब के मतलब जो भी मालूमात हैं वो आपको इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो उसके लिए आपने ये वीडियो जो है वो मुकम्मल देखनी है। तो चलें ओपन करते हैं पाई नेटवर्क को। अच्छा, ये पाई नेटवर्क ओपन हो चुका है और मेरे पास जो इस वक्त कोइन है वो हैं 25,619। और सबसे पहले जो है आपने ऑप्शन में इसके जाना है। ऑप्शन में आके सबसे नीचे है प्रोफाइल, आपकी जो प्रोफाइल है उसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये जो राइट साइड पे तीन ग्रीन टिक्स लगी हुई हैं ये मेरी वेरिफिकेशन जो है वो हो चुकी है। फ़ोन की वेरिफिकेशन है, फेसबुक की वेरिफिकेशन है और पासवर्ड जो है उसकी वेरिफिकेशन है। ये आपने सब ने लाजमी कर लेनी है। जिसकी नहीं हुई वो मुझसे राबता कर ले, मैं उसको इसकी वेरिफिकेशन करवा दूँगा। तो उसके बाद हम जाते हैं जी आपके जो मेन नेट है, ये है 7वें नंबर पे मेन नेट है। मेन नेट को ओपन करेंगे, इसमें ये आपका शो करवा रहा है आपका अनवेरीफाइड बैलेंस कितना है, ट्रांसफरेबल बैलेंस कितना है, वैलेंट बैलेंस कितना है और लॉक्ड अप बैलेंस। लॉक्ड अप बैलेंस जो है इसकी भी मुकम्मल तफसील मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको बताता हूँ अनवेरीफाइड बैलेंस। अनवेरीफाइड बैलेंस जो है वो है 29,859। ये वो बैलेंस है जो मेरे रेफरल्स जो मैंने बनाए हुए थे और उन्होंने अपनी माइनिंग स्टार्ट रखी है उनका जो मुझे बैलेंस मिला था वो है 23,800 समथिंग। ये उस वक्त तक मुझे नहीं मिलेगा जब तक ये दोस्त जो हैं इनकी KYC मुकम्मल नहीं होगी। तो मैं भी आप सब दोस्तों से कहता हूँ कि गुजारिश करता हूँ कि आपने अगर अपने कोई रेफरल्स बनाए हुए हैं तो उनको अपने साथ लेके चलें, उनकी वेरिफिकेशन करवाएं, ठीक, उनकी KYC मुकम्मल करवाएं, तब जाके उनका जो बैलेंस है वो आपको मिलेगा, वो आपके मेन बैलेंस में आएगा, ट्रांसफ़रएबल बैलेंस में आएगा। अभी ट्रांसफ़रएबल बैलेंस जो है वो है मेरे पास 1760 जो मेरा सेंड रिसीव मतलब हो सकता है, उसकी मैं ट्रेडिंग भी कर सकता हूँ। नीचे आएगा वैलेट बैलेंस, वैलेट बैलेंस में हम आ जाएगा नीचे लॉक अप, मतलब इधर जाते हैं लॉक अप में जाते हैं। ये आगा जी आपका लॉक्ड अप परसेंटेज और लॉक्ड अप ड्यूरेशन और लॉक्ड अप बैलेंस, ये क्या चीज़ है इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपको देता हूँ। अभी मेरे पास जो 1700 क्वींस हैं, जो मेरे अपने क्वींस हैं जो ट्रांसफ़रेबल हैं, उनको अगर मैं चाहता हूँ कि मैं उनको लॉक्ड अप करता हूँ 100%, अगर मैं वो 3 साल के लिए करता हूँ तो उनका 3 साल बाद मुझे जो है 540% मुझे मिलेगा। अगर वो मैं 1 साल के लिए उसको करता हूँ लॉक्ड अप तो वो मुझे मिलेगा 270%। अभी कैलकुलेटर में जाते हैं, 270%। को करेंगे तकसीम 100 पे और ज़रब देंगे 1700, ये आ गया जी 4590 जो है ना मुझे वो मिलेगा 1 साल बाद। ये बैलेंस होगा, ये लॉक हो जाएगा, इसकी मैं कोई ट्रेडिंग वगैरह नहीं कर सकता, ये 1 साल के लिए लॉक हो जाएगा। और इसका 1 साल बाद मुझे कितना मिलेगा, 1700 बैलेंस जो मैंने लॉक किया था 4590 रुपये, और बाकी जो है आपकी सॉरी रुपया कह रहा हूँ 4590 क्वींस जो हैं पाई के वो मुझे मिलेंगे। और बाकी जो आपकी माइनिंग है वो वैसी की वैसी चलती रहेगी, ठीक है। इसका उम्मीद है आपको समझ आज आ गई होगी। और बाकी उसके बाद आपको मैं ले चलता हूँ क्वीन मार्केट कैप की भी आपको बता देता हूँ कि उसमें क्या था।
इसकी अपडेट क्या है। पहले कोइन मार्केट ऐप में हम इसको सर्च करते थे, लेकिन इसकी पाई नेटवर्क जो है वो सर्च नहीं होती थी। अभी इसको हम सर्च करते हैं, पाई नेटवर्क। ये आ गया जी, पाई नेटवर्क, पी नेट। अभी कॉइन मार्केट कैप जो है इसमें भी ये शो होने लग गई है, पहले इसमें शो नहीं होती थी। आपकी मतलब इसमें ये कॉइन मार्केट कैप क्या है, ये मार्केट है आपकी क्रिप्टो करेंसी की, जितनी भी आपकी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो इसमें शो होती हैं और उनकी जो प्राइस अपडेट होती है उसके मतलब इसमें इंफॉर्मेशन होती है, सारी होती है। उसमें पहले पाई नेटवर्क नहीं आ रही थी, लेकिन अब उसमें भी पाई नेटवर्क जो है वो आ चुकी है। और अब हम दोबारा जाते हैं अपने पाई नेटवर्क में। उसके बाद और आप आ जाएं जी इधर, चेक योर लिस्ट। ये नीचे जो दो ऑप्शन बने हुए हैं, चेक योर लिस्ट पे क्लिक करेंगे, इसमें आपके जो हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 ऑप्शन आ रहे हैं। ये 6 ऑप्शन आपने मुकम्मल करने हैं। सबसे पहले पे है डाउनलोड पाई ब्राउज़र, इस पे क्लिक करें, इधर आ जाएगा डाउनलोड। मैंने पहले इंस्टॉल किया हुआ है पाई ब्राउज़र को, आपने इंस्टॉल कर लेना है, जिसमें आपका, इसको मैं ओपन करता हूँ, जिसमें आपका पाई वैलेट भी होगा। और उसके बाद ये ओपन हो चुका है, इसमें आप चैट पाई मतलब पाई के जो मेन हेड हैं उनसे आप चैट भी कर सकते हैं। पाई वैलेट है और ये साथ ब्रेनस्टॉर्म ऐप है, माइन पाई ब्लॉक चैन है, इसका अपना पाई नेटवर्क अपना ब्लॉक चैन है, डिवेल्प पाई है, नीचे KYC पाई है। KYC अगर आप करना चाहते हैं तो ये नीचे KYC वाले पे आप क्लिक करेंगे। ये हर कंट्री को जो उन्होंने अपने जो पहले फ्री पाई KYC दी थी, वो हर कंट्री के लिए 100 KYC फ्री उन्होंने दी थी, वो मुकम्मल हो चुकी हैं, लिमिटेड थी ये। अभी दोबारा वो आएंगी, फिर आप उससे अपनी KYC कर सकते हैं। इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि हमारी KYC नहीं, वो सब की KYC हो जाएगी। उसके बाद ये दूसरे नंबर पे है क्रिएट अ पाई वॉलेट, सॉरी इसको हम जाएंगे ब्रेनस्टॉर्म में, इधर से ब्रेनस्टॉर्म। ये आपका पाई ब्राउज़र ओपन हो चुका है, इसमें पाई वॉलेट है, ब्रेनस्टॉर्म है, और पाई वॉलेट को ओपन करते हैं। ये इसमें हो चुका है, इसमें ये दूसरे नंबर पे है वैलेट पाई, पाई वैलेट को ओपन करते हैं। मैंने इसको अपना लॉक को फिंगरप्रिंट पे सर्च किया हुआ, फिंगरप्रिंट के ज़रिए इसको मैं अपना ओपन कर लेता हूँ। ये टेस्ट के लिए मेरे पास थी 100 पाई थी जो मैंने सेंड की हैं, 6 पाई जो हैं वो मैंने सेंड कर दी थी। तो पीछे जाते हैं, ये आपको वैसे चेक कराने के लिए मैंने ओपन किया था इसको। ये दूसरे नंबर पर है पाई वॉलेट। तो दोस्तों ये थी आज तक की पाई नेटवर्क की मुकम्मल अपडेट, और जैसे जैसे इसकी कोई अपडेट या कोई न्यूज़ मिलती रहेगी मुझे, मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। और आप सबसे गुजारिश है कि आप जिन जिन दोस्तों ने अनइंस्टॉल कर दी थी पाई नेटवर्क, वो दोबारा इंस्टॉल करके अपनी माइनिंग स्टार्ट कर दें और अपनी वेरिफिकेशंस जो हैं वो कंप्लीट कर लें। शुक्रिया। और किसी दोस्त को अगर कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ पूछनी हो तो वीडियो के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। शुक्रिया।